इस वक्त बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। आपको बता दें कि हरियाणा के फतेहाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। अशोक तंवर को चुनाव आयोग का नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन पर अशोक तंवर को ये नोटिस दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सरकारी कर्मियों के प्रति आपत्तिजनक बातें कहने का ये मामला था, जिसके बाद से आपको बता दें फतेहाबाद अशोक तंवर का चुनाव आयोग का नोटिस दिया गया है। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन पर अशोक तंवर को ये नोटिस दिया गया है। सरकारी कर्मियों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद से और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र बोगा जुड़ गए। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी आ रही है? फतेहाबाद में जनसभा के दौरान अशोक तंवर के द्वारा बिजली कर्मियों पर टिप्पणी जो की गई थी, और उन्होंने कहा था एससी और एक्सचेंज जो है बिजली निगम के, जब भी वो फतेहाबाद के दौरे पर आते हैं तो लाइट को काट दिया जाता है। इस संबंध को लेकर जब सरकार कांग्रेस की आएगी तो इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, इन्हें सस्पेंड किया जाएगा। तो इसी बयान को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में नोटिस जो अशोक तंवर को जारी किया गया है। जी, बिना अनुमति के कार्यकर्ता बैठक करने का भी आरोप है उनके ऊपर। जी, फिलहाल जो चीज यही सामने आ रही है, टिप्पणी उनके द्वारा गलत की गई है। उनका यही कहना था भी जो सस्पेंड आने पर, सरकार आने पर सस्पेंड इसको करेंगे। उन्होंने कहा भी जब उनका फूफा अशोक तंवर जब भी फतेहाबाद आता है ये बिजली काट देते हैं। तो इस तरह के आपत्तिजनक बयान को लेकर एक कड़ा संज्ञान इस मामले में लिया गया है। जी, तो नोटिस के बाद अशोक तंवर की तरफ से कुछ बयान आया है इसको लेकर? जी, फिलहाल अशोक तंवर की ओर से अभी फिलहाल जो बयान नहीं आया, और कुछ ही देर पहले जो नोटिस जारी किया गया, और हो सकता है कुछ देर में उनकी टिप्पणी जो सामने आए। जी, वाकई लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके के मामले सामने आए, और अब एक बार फिर से अशोक तंवर ने इस तरीके की बातें कही हैं, जिसके बाद से आचार संहिता के उल्लंघन पर उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। बहरहाल, और क्या कुछ सामने आ रहा है सरकारी कर्मियों के प्रति आपत्तिजनक बातें कहने के अलावा? साफ तौर पर आपत्तिजनक बातें जो कही गई है, इसको लेकर जो चर्चा का विषय भी जो बना हुआ जनसभा के दौरान सरेआम ये इस प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी जो की गई है। हालांकि कर्मचारी संगठनों की ओर से इस मामले को लेकर एक शाम को बैठक का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ भी कर्मचारी संगठनों की ओर से इसमें नहीं कहा जा रहा है। जी, जितेंद्र मोगा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि अशोक तंवर को नोटिस दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन पर अशोक तंवर को ये नोटिस दिया गया है, और इससे पहले उन्होंने सरकारी कर्मियों के प्रति आपत्तिजनक बातें भी कही थी। वहीं आपको बता दें कि एक और बात है कि बिना अनुमति के कार्यकर्ता बैठक भी उन्होंने की थी, जिसके चलते आचार संहिता के चलते उन्हें ये नोटिस जारी किया गया। आपको बता दें कि आचार संहिता के उल्लंघन पर अशोक तंवर को ये नोटिस जारी किया गया है। तो सरकारी कर्मियों के प्रति आपत्तिजनक बातें कहने का मामला भी था।